खबर है वही जो दिखे सही। कोरोना से लड़ाई है अभी जारी, सावधानी से ही होगी सुरक्षा। जोधपुर में जनता कर्फ्यू रहा सफल, जोधपुर में जनता कर्फ्यू को लेकर सब जगह पे बंद रहा। जोधपुर की जनता ने इसका भरपूर समर्थन किया, कई स्थानों पर बंद का नजारा देखने को मिला। शाम के समय जनता ने अपने समर्थन में अपने घर, मोहल्ला, गली और छतों पर खली, थाली, चम्मच और शंख बजाकर मोदी के इस फैसले का समर्थन किया। मोदी चौक में हालांकि ऐसी परिस्थिति में जुलूस निकालना उचित नहीं, फिर भी लोगों का जोश और समर्थन एक साथ दिखाई दिया। कोरोना से लड़ाई में आज पूरे देश का संकल्प और संयम समग्रता से प्रदर्शित हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी का देश को दिया संदेश दुनिया के लिए जनता कर्फ्यू के रूप में एक आदर्श बन कर उभरा। इस महामारी की लड़ाई में पूरे देशवासियों ने अपना कमर कस लिया है। प्रशासनिक कार्रवाई तो चल ही रही है, लेकिन इसमें सावधानी ही बेहद जरूरी है। प्रदेश में लॉकडाउन का असर, जोधपुर में पुलिस प्रशासन हुई सख्त। देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, तो राज्य की गहलोत सरकार भी पूरी तरह से ठोस कदम उठा रही है। पूरे प्रदेश में 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया गया, तो पूरे प्रदेश में बैंक सेवाएं, अस्पताल, मेडिकल, दूध, सब्जी की दुकानों और किरानों की दुकानों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, तो प्रदेश में लॉकडाउन कर दिया गया। इसी कड़ी को देखते हुए सोमवार जोधपुर पुलिस प्रशासन सख्त नजर आया। बिना किसी कारण वजह से घरों से निकले लोगों को जालोरी गेट चौराहे पर रोककर उनको वापस घर जाने को कहा। ऐसे कई वाहनों के चालान भी बनाए गए जो अनधिकृत थे। मौके पर मौजूद डीसीपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन किया गया है और लोगों को घरों से नहीं निकलने के लिए कहा जा रहा है। एक और बात ये कहना चाहूँगा कि कहीं भी ये दिमाग में नहीं रहेगी कोई सामान खत्म करना, क्योंकि जो जरूरी वस्तुओं का जो सप्लाई है, जो कि जरूरी वस्तुओं का परिवहन कर रहे हैं उसको अलाउ किया गया है, मंडी को भी अलाउ किया गया है, तो डेफिनेटली कोई ज़रूरी सामान खत्म होने वाला है। एक तो अननेसरी पैनिक करके किसी दुकान में एक साथ भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है पैनिक। इसके अलावा वैसे वर्क जो कि इससे अफेक्ट होंगे इकोनॉमिकली, उसके लिए भी सरकार उपाय कर रही है। उनको कैसे, अगर किसी को डेली वेज मिलता है तो काम पे नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए भी सरकार उपाय कर रही है। वैसे व्यक्तियों को भी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, जो आप दुकान पे जा रहे हैं वो दो दो चार चार करके जाएं, एक साथ पैनिक में जाने की ज़रूरत। पुलिस कर्मियों ने गाड़ियों पर सवार होकर घूम रहे लोगों को समझा कर अपने घरों में रहने की हिदायत दी। याद रहे कि प्रदेश में अधिकांश जिलों में धारा 144 लागू हो चुकी है। हालांकि इस प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी लगातार कोरोना के रोकथाम को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लोगों से लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी जा रही है। एम्बुलेंस उसको केटर करेगी, और अगर किसी को अन्य फैमिली इमरजेंसी के लिए कहीं जाना है तो परमिट ले संबंधित विभाग से, चाहे RTO से या थाना के माध्यम से आप ECP से संपर्क कर सकते हैं। इस्तेमाल कर दिए सर, 5 लोगों से ज़्यादा लोग खड़े रहते हैं ऐसे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई, उनके खिलाफ़ भी 188 ITC के तहत कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ FIR होगा और उनको इसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा। कई जगहों पर लोगों को इकट्ठा देखकर पुलिस ने उन्हें घर जाने के लिए समझाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बड़ा फैसला, कल से पूरे राजस्थान में निजी वाहनों पर रोक।
लॉकडाउन का जमकर उल्लंघन करते देखा गया। लॉकडाउन के चलते सभी को घर में रहने की हिदायत। आपके माउथ से, आपके नोज से, आपके आईज से एंटर कर सकते हैं। फेस टच अवॉइड करें, हाथ धोएं और मिनिमाइज करें अपने कॉन्टैक्ट, लोगों से कॉन्टैक्ट को मिनिमाइज करें और किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से भी कॉन्टैक्ट को आप मिनिमाइज करें। मैं हूँ गोविंदा गोला, 24 टाइम मुंबई में पहली बार एक अनोखा शो लेकर आ रहा है। नमस्कार, मैं दियोगी पांडे 24 टाइम मुंबई में पहली बार लेकर आ रहे एक शो जिसका नाम है श्रीमती किन्नर, एक फैशन शो जो चैरिटी के लिए है। एक शाम इंसानियत के नाम, एक्सीलेंस अवार्ड होगा बहादुरों के नाम।